हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे रमजान महीने के बारे में। रमजान में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब और कैसे हमें खाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, रमजान के महीने का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही रमजान के महीने का हमारा फिजिकल यानी कि शारीरिक महत्व भी है। रमजान में जो हम फास्ट रखते हैं उसे आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की दुनिया में, डाइट की दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान है और इस्लाम में 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह प्लान दे के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो दोस्तों, रमजान में जो हम फास्ट करते हैं उससे हमारी बॉडी को किस तरीके से फायदा होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हम सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का फास्ट रखते हैं, जिसमें हम खाना पीना कुछ नहीं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, उसकी वजह से पूरे साल में हमने जो कुछ भी खाया है, पिया है, बर्गर खाया है, पिज्जा खाया है, बाहर का खाया है, घर का खाया है, जो भी हमने कचरा खाया है जिसको हमारे पेट ने नहीं पचाया है और वो खाना हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, अंदर आंतड़ियों के अंदर पड़ा हुआ है, लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसका कचरा हमारे शरीर में जमा हुआ है, जो हमारे खून में फैला हुआ है, सभी जगह पे जो बॉडी में अनवांटेड टॉक्सिन्स हम पूरे साल अनसन खा खा के जो जमा करते हैं, ये रमजान का सिर्फ एक ऐसा महीना आता है कि जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि रोजा रख के पूरे दिन के इस कचरे को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों? जब हम खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो साफ सफाई का काम करता है। जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर है, हमारा पेट है, हमारी अंतरिया है, वो खुराक को यानी कि खाने को पचाने के लिए काम करती है। जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, हमारे जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, हमारी अंतरिया है, हमारा लीवर है और हमारा स्टमक है, उसको रेस्ट मिलता है। जब इनको रेस्ट मिलता है तो शरीर में जमा पड़े हुए कचरे को ये डाइजेस्ट करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और ऐसा कहा है कि रमजान के फास्ट रखने से आपका कैंसर होने का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर भी दोस्तों, लोगों को कैंसर क्यों होता है? क्योंकि रमजान में हम फास्ट रखते हैं और हमारी बॉडी को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उसकी जगह पे वो बेनिफिट्स नहीं मिलते और नुकसान होते हैं, क्योंकि रमजान में हमें क्या खाना है, कैसे खाना है वो हमें पता ही नहीं है। हम रमजान में कुछ भी और कभी भी खाते हैं। दोस्तों, रमजान में किस तरह से खाना है अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे, सहरी का वक्त होगा, सुबह 4-4:30 बजे का आपका जो वक्त होता है जिसमें सहरी खाते हैं, तो कुछ लोग उसमें नॉनवेज खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग्स, ये सारी चीजें खाते हैं। ये सारी चीजें बॉडी में हीट को बढ़ाती हैं। जब आप हीट को बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो उसकी वजह से आपको पूरा दिन पानी की प्यास होगी, पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग रहेगी, आपको बार बार मोशन जाना पड़ेगा और एंड ऑफ द डे जब आपका इफ्तार का टाइम आएगा तो आपको वीकनेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें सहरी में क्या खाना चाहिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे कि आप सहरी के लिए उठते हैं, सबसे पहले आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप 3 खजूर और कोई भी एक फ्रूट खाइए। आप बिल्कुल भी मिक्स फ्रूट ना खाएं, फ्रूट्स को मिक्स करके ना खाएं, कोई भी एक फ्रूट और 3 खजूर खाएं, उसके बाद आप सहरी करें। सहरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप दूध रोटी ले सकते हैं। जो लोग मोटे नहीं है, पतले हैं, तो वो दूध की मलाई के साथ रोटी ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो वो एग का ऑमलेट बना के ले सकते हैं। ओट्स के साथ आप मिल्क ले सकते हैं, आप दूध और पोहा ले सकते हैं। ऐसा खाना आपको सहरी में खाना चाहिए कि जिससे आपको पूरा दिन बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिले, आपको ठंडक भी रहे, भूख और प्यास का एहसास भी ना हो और आपको एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग भी ना हो और आपका पूरा जो 14 से 16 घंटे का फास्टिंग है वो अच्छे से गुजरे। अब हम बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार मतलब कि रोजे को खोलने का जब टाइम आता है, जब आप इफ्तार करेंगे तो इफ्तार में आप 2 से 3 खजूर और एक फ्रूट और उसके साथ एक शरबत पिए। शरबत में जनरली हम लोग कलर वाले शरबत यानी कि जो तैयार बोतल में शरबत आते हैं वो पीते हैं। दोस्तों, इसमें जो हानिकारक कलर और केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमारा कैंसर होने का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। जो हम घर में खाना बनाते हैं इफ्तार में, जो हम फ्राई आइटम बनाते हैं या जो भी चीजें बनाते हैं जिसमें हम कलर डालते हैं,
उसमें हम एडेड सॉसेस डालते हैं, वो हमें ये नहीं पता कि स्वाद देने के साथ साथ वो हमारी बॉडी को कैंसर की ओर लेके जा रहा है दोस्तों। तो ये चीजों का इस्तेमाल, कलर, एसेंस और एडेड सॉसेस जो पैकेट में आते हैं, जो प्रिजर्वेटिव डाले हुए सॉसेस हैं, उसका इस्तेमाल न करें, घर के बनाए हुए मसालों का इस्तेमाल करें। जब आप इफ्तार करेंगे तो इफ्तार में आप 3 खजूर खाएं, उसके साथ कोई भी एक फ्रूट खाएं, अगेन यहाँ पे भी मिक्स फ्रूट ना खाएं, और उसके साथ शरबत पिए। शरबत में आपको गुड़ का शरबत पी सकते हैं, पानी में गुड़ और नींबू डाल के उसका शरबत बना सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप खस का शरबत बना के पी सकते हैं। उससे भी बढ़िया एक ऑप्शन मैं आपको बताऊं, आप जौ यानी कि बार्ली, जो जौ आता है, जौ को उबाल के, जौ को पानी में उबाल के उसको छान के उसमें आप नमक और नींबू डाल के और थोड़ा सा मिश्री डाल के उसका भी शरबत बना के पी सकते हैं। आप सौंफ का शरबत बना के भी पी सकते हैं। मिल्क शेक बिल्कुल ना पिए इफ्तारी में, दूध का शरबत ना पिए, उससे आपको गैस हो जाएगी। इफ्तारी में आप ये शरबत से इफ्तारी करें, उसके बाद नमाज पढ़ के आप खाना खा लें। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि तरावी के बाद यानी रात की नमाज के बाद खाना खाते हैं। दोस्तों आप इफ्तारी के बाद खाना खा लीजिए। आप इफ्तारी के बाद खाना खा लेंगे, फिर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो टाइम में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। नमाज की जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप रात की नमाज पढ़ लें तब आप रात को 1 कप 100 ml से 200 ml मिल्क उसमें हल्दी डालकर जरूर पिए। इससे आपको पूरी रात अच्छे से नींद आएगी और आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की दिन में कमी हुई है वो पूरे पोषक तत्व आपके बॉडी को मिल पाएंगे। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आप जरूर से सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।